वेलकम बैक टू माई न्यू सीरीज ऑन लिनक्स कमांड। इस सीरीज में मैं आपसे कुछ ऐसे लिनक्स कमांड के बारे में बात करूंगा जो आपको यूजफुल रहेंगे। टर्मिनल तो सबने यूज किया ही होगा, लेकिन आप में से कितने लोगों ने टर्मिनल को कस्टमाइज किया हुआ है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कस्टमाइजिंग लिनक्स बेस्ड प्रॉम्प्ट। आज हम बात करेंगे कैसे आप टर्मिनल को डिफरेंट स्ट्रिंग कलर एंड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आप उसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हो जो टेक्स्ट रहता है टर्मिनल में उसका। द कस्टमाइजेशन विच वी आर गोइंग टू डू इज एप्लीकेबल टू ऑल द मेजर लिनक्स डिस्ट्रो इवन इन मैक, so you can try this in all across platform. I am Dhaval, you are watching DTech, and let's get started. For this I am using my Raspberry Pi, so as you can see currently all the texts are appear in a वेल फॉर्मेट मैनर, कलर एनकोडिंग इज देयर एंड ये जो आप पाई एंड रास्पबेरी पाई ये टेक्स्ट देख रहे हो दैट यू कैन सी हियर। सो ये जो टेक्स्ट आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे दैट इज कम फ्रॉम वेरिएबल नेम PS1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि PS1 में अभी कौन सी वैल्यू है। सो दिस इज द वैल्यू करंटली सेट एज डिफॉल्ट वैल्यू इन द रास्पबेरी पाई टर्मिनल। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप कैसे ये टर्मिनल के कलर कोडिंग में चेंज कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ये डॉलर साइन नहीं चाहिए, या तो इसका कलर चेंज करना है, और एल्स व्हेन यू डू ls फाइल का जो कलर है दैट इज इन डिफरेंट कलर, एंड जो डायरेक्टरी का कलर है दैट इज इन डिफरेंट कलर। सो लाइक दैट काइंड ऑफ चेंजेस यू कैन डू बाय मॉडिफाइंग दिस PS1 वेरिएबल। अपार्ट फ्रॉम PS1 इसमें और भी वेरिएबल आते हैं लाइक PS2 है, PS3 है, PS4 है, लाइक दैट। आज का हमारा मेन फोकस है दैट इज PS1 एंड PS। सो वेरी फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज वी आर मॉडिफाइंग द PS1 वेरिएबल। फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट PS1 इज इक्वल टू एंटर कमांड सी। नाउ व्हाट एवर कमांड आई एम पुटिंग That will be like this. So, मैंने ये जो PS1 is equal to enter the command किया है, उसके बाद क्या change हुआ? ये जो पूरा string था, वो overwrite हो गया enter the command के साथ। तो भी सब command ये accept करेगा, but उसका starting है, वो enter command रहेगा। This is very minimal change you can do in PS1. उसके बाद हमारे पास थोड़े ऐसे common special character है, जिसकी मदद से आप different syntax एंड टेक्स्ट है, या यूज़र नेम है, होस्ट नेम है, न्यू लाइन में आपको कमांड चाहिए, या तो आपको टाइम या तो डेट डिस्प्ले करना है, दैट टाइप ऑफ चेंजेस यू कैन डू बाय पुटिंग दिस टाइप ऑफ स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर। जैसे हमने यहाँ पे अभी पुट किया IM देन /u, तो ये क्या करेगा IM, फिर मेरा करंट यूज़र अभी पाई है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी प्रिंट IM पाई। H है वो मेरा होस्ट नेम है दैट इज़ रास्पबेरी पाई, तो वो ये प्रिंट करेगा। अभी मेरे को लेट से यहाँ पे टाइम चाहिए, अभी लेट से स्टार्टिंग में मेरे को टाइम चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग 20 लिखूँगा, और अगर मेरे को डेट चाहिए 20 लिखूँगा, अगर मेरे को दोनों चाहिए तो मैं इसको मैं ब्रेसिस में भी डाल सकता हूँ लाइक। सो आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको लेट से जो 24 आवर का टाइम फॉर्मेट है उसको 12 आवर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप @ यूज़ कर सकते हो, तो वो 12 आवर एंड 24 आवर के बीच में आप चूज कर सकते हो ऑप्शन। उसके बाद अगर आपको पूरा टर्मिनल ब्लू में कन्वर्ट करना है, जो स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स है दैट इज, सो ये कलर कोडिंग है, आप इसमें से जो भी स्ट्रिंग यूज़ करोगे लाइक जितने भी कलर से दैट इज स्टार्ट फ्रॉम /e, सो आप /e के बाद स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर उसका कोड एड एंटर करोगे देन यू कैन चेंज इट्स कलर। वी आर गोइंग टू सी द PS2 वेरिएबल। सो करंटली फर्स्ट लेट्स चेक PS2 वेरिएबल में क्या वैल्यू है, दैट इज दिस राइट एरो। ओके, अभी PS2 वेरिएबल काम क्या करता है, लेट्स से आपका कोई ऐसा कमांड है जिसमें आपने डबल कोट पुट किया और फिर एंटर प्रेस किया सी, ये जो कैरेक्टर आ रहा है दैट इज PS2, दैट इज कम फ्रॉम PS2। ओके, अभी हम PS2 की वैल्यू का मॉडिफाई करते हैं, लेट्स से मेरे को PS2 में चाहिए अंडरस्कोर, अभी मैं कोड प्रिंट करूंगा सी, सो PS2 हमारा है अंडरस्कोर। सो ये सेकंड लेवल का वेरिएबल है
PS1 is we can say primary, this one is secondary. अभी आपने यहाँ पे PS1 की वैल्यू सेट कर दिया, ओके? अगर आप यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करोगे, so that will be overwritten by the default one. So to make these changes permanent in your Linux system or in a Raspberry Pi, make sure you have put this PS1 value inside your bash.rc. So here you can find that value PS1, और आप ये वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, और else you can put the PS1 at the last of the file. वहाँ पे सेव करने के बाद आप जितने भी टर्मिनल ओपन करोगे उसमें आपको ये सेम कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन एंड द वे यू सेट दैट इज सेम अक्रॉस ऑल द टर्मिनल. आगे मैं इसके और थोड़े इन डेप्थ वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशंस और एनी फीडबैक, देन डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट बिलो. इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियो लाइक दिस. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.